टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार का शानदार प्रदर्शन। आपको बता दें, प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। अब तक 11 मेडल जीत चुका है देश। पीएम मोदी ने प्रवीण को बधाई दी है। अब तक 11 मेडल देश जीत चुका है। पीएम मोदी ने प्रवीण को बधाई दी है। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार का शानदार प्रदर्शन। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। पीएम मोदी ने प्रवीण को बधाई दी है। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार का शानदार प्रदर्शन। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार का शानदार प्रदर्शन और हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल आयुषी, भारत को इस बार जो टोक्यो पैरा ओलंपिक में काफी अच्छे प्रदर्शन है भारत का, वो देखने को मिल रहा है। पैरा ओलंपिक में पुरुषों की हाई जंप में T64 में भारतीय खिलाड़ी प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल की जीत है वो हासिल की है। प्रवीण ने 2.07 मीटर लंबी छलांग लगाते हुए यह पर जो प्रतिस्पर्धा पर अपना जो सिल्वर मेडल है वो हासिल किया है। साथ ही प्रवीण ने नया एशियाई रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इस पूरे मुकाबले में प्रवीण ने बेहतरीन लय में दिखाई दी और उसी के दौरान ही आखिरी क्षणों में जो पोलैंड के खिलाड़ी जोनाथन उन पर भारी पड़े और उनकी 2.10 मीटर लंबी छलांग है और उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, लेकिन प्रवीण को भी यहां पर सिल्वर मेडल है वो हासिल हुआ है। पैरा ओलंपिक में यह भारत का 11वां मेडल है। मेडल मिलने के बाद में प्रवीण कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और कहा कि सिल्वर मेडल जीतने पर की पैरा पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतने पर आप पर गर्व है और यह मेडल उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण का नतीजा है। आप यह बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। पैरा ओलंपिक में भारत का जो बेस्ट प्रदर्शन है वो अब तक का देखने को मिला है, क्योंकि कई सालों बाद ही देश की मेडल टेली में दोहरे अंक उनकी पहुंचे वो देखी गई है और अब तक 11 मेडल है वो भारत को मिल चुके हैं। भारत को जो 4 पदक है, इससे पहले ऊंची कूद प्रतिस्पर्धा में मरियप्पन थंगावेलू को मिले हैं, साथ साथ उसको भी सिल्वर मेडल मिला है और शरद कुमार को कांस्य मिल चुका है। साथ ही जो कई अन्य खेलों में भी जो भारत को यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक में जो मेडल है वो देखने को मिला है। प्रवीण कुमार ने अपना ये दमखम है वो बेहतर तरीके से दिखाया और यहाँ पर दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल है वो हासिल किया है। जी लोकेश, अभी ऐसे और कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे मेडल की उम्मीद की जा रही है और राजस्थान से ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनसे मेडल की उम्मीद की जा रही है? देखिए, 11 ऐसे मेडल है वो देश को अब तक मिल चुके हैं। प्रवीण कुमार को जो भारत ने कुछ 6ठा रजत है ये दिलवाया है। इससे पहले अवनि ने यहाँ पर जो राइफल के अंदर 10 मीटर जो राइफल है उसके अंदर मेडल हासिल किया है। जो देवेंद्र झाझड़िया उन्होंने हासिल किया है, सुंदर गुज्जर ने जो सिल्वर मेडल है वो हासिल किया है। ऐसे में लगातार भारत को कई मेडल हासिल किए हैं और अब भी कई ऐसे खिलाड़ियों पर नाज है कि वो और उम्मीद है कि मेडल और हासिल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक कभी भी 2.5 के अंक में राजस्थान देश को जो मेडल है वो नहीं मिल पाए और पहली बार ऐसा हुआ है कि 2.5 के अंक में यहाँ पर मेडल का आंकड़ा है वो पहुंचा है। ऐसे में लगातार एक बार फिर से जो जश्न का माहौल देश में देखने को मिल रहा है कि देश के जो खिलाड़ी वो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और टोक्यो पैरा ओलंपिक में अपना जो अच्छा प्रदर्शन है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं और उनको मेडल हासिल हो रहे हैं। साथ ही कई ऐसे गेम्स और भी हैं जहाँ पर जो इन खिलाड़ियों पर पदक की उम्मीद है वो की जा रही है और इसमें मुख्य रूप से जो ऊंची कूद में प्रवीण कुमार को गोल्ड की उम्मीद थी और लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल यहाँ पर हासिल किया है। साथ ही जो अन्य पुरुष खिलाड़ियों में नंबर 1 पर खिलाड़ी प्रमोद भगत ने पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा में दूसरे मैच के दौरान अभी होने जा रहा है और उसमें भी अच्छा प्रदर्शन उनका पहले देखा गया और उनको भी
मेडल की उम्मीद है वो की जा रही है। साथ साथ निशानेबाज राहुल जाखड़ भी 25 मीटर एयर जो पिस्टल के अंदर अभी भी उनके भी उम्मीद है कि उनकी ओर से भी यहाँ पर मेडल जो यहाँ पर उनको मिल सकता है। ऐसे में कई और खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको उम्मीद जिनसे उम्मीद की जा रही है कि उनको मेडल मिलना है, लेकिन फिलहाल भारत की झोली में 11 मेडल आ चुके हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये दोहरा आंकड़ा है वो यहाँ पर जो ढाई का आंकड़ा है वो यहाँ पर देखने को मिला है। जी, शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।